फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक लवर। दोस्तों, स्नेक रेस्क्यू के लिए आज हम फरीदपुर उत्तर टोला आए हैं एक बार फिर से। और तकरीबन हफ्ते भर पहले ही हमने इसी कुएं से एक कोबरा स्नेक को रेस्क्यू किया था और आज फिर से एक कोबरा स्नेक ही इस कुएं में गिरा हुआ है। दिखाइए, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कोबरा स्नेक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, हम इसका रेस्क्यू करते हैं। आप देख सकते हैं काफी एक्टिव है ये स्नेक। अल दूर रहो तो मोबाइल गिर न जाए। तो आप देख सकते हैं उधर से कैसे ये थोड़ा सा भाई इधर भैया इधर नहीं। शांति, आप लोग हल्ला मत कीजिए। आप लोग चलिए निकालिए इधर उधर ना हो थोड़ा दूर हट के हाथ से धोखा छूट देते तब की होता हाथ थोड़ा दूर हट कर। आप देख सकते हैं दोस्तों, बैठ बैठ के लो, ये कोबरा स्नेक है और पिछले बार भी हमने लगभग इतने बड़े ही कोबरा स्नेक का रेस्क्यू किया था यहाँ पर और ये अभी हाल फिलहाल ही गिरा है कुएं में, इसलिए ये अभी गुस्से में है ज्यादा। खेत में ले तो आप देख सकते हैं ये काफी अटैकिंग पोजीशन में है। कौन सांप है ये? सांप जो है कोबरा है, हिंदी में नाग सांप, इंग्लिश में कोबरा, बंगला में खड़ीस। तो हम एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि लोग कहते हैं कि बीन की धुन पे सांप डांस करते हैं, नाचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सांप जिस भी चीज को अपने आंखों के सामने हिलता हुआ देखते हैं उससे उन्हें खतरा महसूस होता है और उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जिस तरह अभी हम अपनी कैप हिला रहे हैं और ये सांप को इस पे खतरा लग रहा है और ये सिर्फ कैप को ही देख रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये खड़ा हो गया है और कैप पर ही इसका फोकस है। सट भागा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफी गुस्से में है और कैप को ही दिख रहा है। तो आपने देखा किस तरह हमने इसका फोकस अब कैप पर रख के और इसे पीछे से टच कर लिया। तो दोस्तों, ये सांप जो है जहरीला होता है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है। दूर से लो पूरा, तो इसमें न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है। ऐसा सांप अगर काटता है आपको तो आपके पास कम से कम 2 घंटे का समय है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप ज्यादा घबरा जाते हैं तो ये समय कम हो जाता है, इसीलिए अगर ऐसा सांप आपको काटता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप कूल रह सकते हैं, जितना शांत रह सकते हैं उतना शांत रहिए और जल्द से जल्द अस्पताल जाइए और वहां जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करा के बच सकते हैं। और अगर आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे या फिर उसमें अपना समय व्यतीत करेंगे तो जहर फिर फैल जाएगा बॉडी में और फिर हॉस्पिटल जाने पर भी आपका इलाज संभव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपकी मौत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। लाइए डब्बा दीजिए। Yeah.
कोई मंत्र धार नहीं छकरा मंत्र मार के नाना कर लगे सब दखल देते तो फ्रेंड्स सुनो ना तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने बहुत ही सावधानी पूर्वक और अच्छी तरह इस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू कर लिया दोस्तों। और हम लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि सांप देखे तो आप उसे मारने की कोशिश मत कीजिए। अगर सांप आपको दिखता है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको काटने आएगा। सांप अक्सर लोगों से दूर रहना चाहते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं और जहर उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपने जहर इधर उधर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये इधर उधर काटते रहेंगे तो फिर शिकार करने में इनको प्रॉब्लम हो जाएगी और भूख के कारण इनकी मौत हो जाएगी। इसलिए सांप जो है लोगों से बचना चाहते हैं और बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते हैं। तो अगर आपके आसपास दिखते हैं सांप तो आप उनसे दूरी बना लीजिए और सांप को छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद आपसे दूर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा स्नेक रेस्क्यू वीडियो, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। तो हमारा चैनल अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आने वाले समय में लोगों के बीच सांपों के लिए सांपों के बारे में और अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और इंसानों को और सांपों को बचाया जा सके। मिलते हैं अगली बार फिर से और स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद। चलिए और देखा उधर कौन सा जितने आगे वाला नहीं डाले थे। सब आएगा, वेट कीजिए सारा वीडियो आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सारा वीडियो।